हेलो एवरीवन वन माई सेल्फ एश एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ फाउंडर्स ऑफ ऑन पैसिव डियर फ्रेंड्स आई हैव अ वेरी क्विक मैसेज फॉर ऑल द फाउंडर्स हेलो एवरीवन माय नेम इज ऐश मुफारी ठीक है मैं असभ्य और दखलंदाज होने जा रहा हूं जो भी आप चाहें ठीक है मुझे कॉलिन ने जो कहा वो वाकई पसंद आया और मुझे उसका रवैया पसंद है बहादुर होना चाहिए और हम ये भी जानते हैं कि लड़ाई जितनी कठिन होगी जीत उतनी ही मीठी होगी यह कोई रहस्य नहीं है कि हम कुछ उथल पुथल से गुजर रहे हैं जैसा कि रेड ने सही कहा है और यह कुछ समय से थोड़ा कड़वा रहा है और हमने सोचा कि सबसे बुरा समय और सबसे बड़ी चुनौतियां कुछ समय पहले ही हमारे पीछे रह गई हैं हम गलत थे और हमें और भी चुनौतियां मिली ठीक है लेकिन जितनी ज्यादा तनावपूर्ण और आक्रामक चुनौतियां होती हैं हम समझते हैं कि हमारे पास जो कुछ है उसकी शक्ति और मूल्य और निश्चित रूप से उसका महत्व है ये देखना अविश्वसनीय है कि मानवता के लिए अच्छी खबर मानी जाने वाली किसी चीज के लिए हमारे पास कितना प्रतिरोध है और हम वित्तीय स्वतंत्रता के मूल्य को समझते हैं हम पैसे के मूल्य को समझते हैं ये बुराई है पूरी लड़ाई इसी के बारे में है लालच है आप जानते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं यह कोई रहस्य नहीं है हम इसके शिकार रहे हैं हम पर शायद हमला हुआ है मुझे लगता है कि हमने आपको इस बारे में बताया है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं कुछ लोग ऐसा करते हैं इन सब के बावजूद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने हमेशा कहा है और मैं अक्सर कहता हूं कि आपके बारे में किसी की राय वास्तविकता नहीं बननी चाहिए और आपकी सफलता के प्रति किसी का रवैया आप सफल होंगे आप सफल नहीं होंगे या हम आपको रास्ते में रोक देंगे इससे आपके जुनून और आपकी प्रेरणा में कमी नहीं आनी चाहिए जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा आपको उतना ही ज्यादा आक्रामक होना चाहिए और जितना ज्यादा आपको अपने लक्ष्य और लक्ष्य को महत्व देना चाहिए अगर कोई इसे नहीं देख रहा है तो ये बेकार है ठीक है किसी को परवाह नहीं है यह कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर हर कोई आपके बनाए गए लक्ष्य के पीछे जा रहा है तो आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं मैं आपके बारे में नहीं जानता कभी कभी हम सीधे दरवाजे से ही किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं मुझे खाने के बारे में बात करनी है क्रिस ठीक है आप दरवाजे पर हैं और हम वहां किसी को नहीं देखते देखिए वहां चीजें रखी हुई हैं खाना ऐसा है ठीक है हम बस मुड़ते हैं हम वापस चले जाते हैं यहाँ कोई नहीं है और अगले दरवाज़े पर बड़ी लाइन है हमें नहीं पता कि यह कैसा है लेकिन लोग इसे पसंद करते हैं इसलिए हम बस चले जाते हैं ठीक यही हो रहा है बहुत से लोग हमारे पास जो है उसके लिए लाइन में खड़े हैं या हमला कर रहे हैं वे आप जानते हैं पिछले दरवाजे से अच्छे दरवाजे से आक्रमण कर रहे हैं चाहे वे हमारे पास जो है उसका एक टुकड़ा पाने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर रहे हों ये सब मायने नहीं रखता जो मायने रखता है वह है हमारा रवैया और सच्चाई हमेशा सामने आएगी सच्चाई हमेशा सामने आएगी यदि आप ईश्वर के साथ व्यापार कर रहे हैं तो यह इस बारे में नहीं है कि आप ईश्वर के साथ व्यापार कर रहे हैं या नहीं ये हमेशा सफल होता है आप हमेशा सफल होंगे बहुत बड़ा लाभ कमाएंगे यदि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ सही काम कर रहे हैं तो आप बैंक जाएंगे ठीक है बस इतना ही अब क्या हमारे पास इससे बाहर निकलने के लिए आवश्यक चीजें हैं मुझे और दीजिए ठीक है यह उबाऊ है मुझे गर्मी पसंद है और जब चुनौतियां होती हैं तो मैं और अधिक उत्साहित होता हूं अब हम बात कर रहे हैं सब कुछ सूरज की तरह स्पष्ट है आने वाले दिनों में हम आपके लिए कुछ मनोरंजक आश्चर्य करने जा रहे हैं हम आपसे पॉपकॉर्न कुछ अच्छा ड्रामा लाने के लिए कहेंगे लेकिन यह सब अप्रासंगिक है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जगहों पर जाएंगे हम खूबसूरत जगहों पर जाएंगे और हमारे पास वह सब है जो इसके लिए आवश्यक है हम सक्षम हैं हमने पहले भी ऐसा किया है हम अब इसे और भी मजबूती से और भी बेहतर तरीके से और भी सुरक्षित तरीके से कर रहे हैं और हमारे साथ और भी प्यार है ठीक है मुश्किल समय असली चरित्र को उजागर करता है आप मुश्किल समय में चरित्र का निर्माण नहीं करने जा रहे हैं अब हम हम में से बहुतों के असली चरित्र को जानते हैं और यहाँ हम हैं सौभाग्य से दुर्भाग्य से हम सोने से बने हैं मैं यहाँ सामूहिक रूप से हमारे बारे में बात कर रहा हूं हम सोने से बने हैं हमारे अंदर सही चीजें हैं और हम इसे आसानी से पार नहीं कर पाएंगे हम सबसे अच्छी वापसी और बदलाव करने जा रहे हैं जो वास्तव में इतिहास बनाने जा रहा है मेरे शब्दों पर ध्यान दें हम इतिहास बनाने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हम विवरण में गोता लगाने में सक्षम हों लेकिन इस समय सभी अप्रासंगिक हैं आपका सपना न केवल वहां ठीक है और बरकरार संरक्षित है बल्कि वास्तव में यदि आप मुझे ये कहने की अनुमति देते हैं तो यह है और भी बेहतर हो गया है और हमारे पास जो कुछ भी है उसका स्टॉक मूल्य बहुत अधिक हो गया है इसके लिए मुझे लगता है कि हम आने वाले दिनों और हफ्तों में कुछ मौजमस्ती करने जा रहे हैं हम उत्पादक होने जा रहे हैं साथ ही मनोरंजक भी मैं आपकी सराहना करता हूं। आपने अभी जो भी अच्छी दयालु सुंदर और बुद्धिमानी भरी बातें कही हैं मैं उनकी सराहना करता हूं मैं यहां और भी अच्छे भाइयों और बहनों के लिए बातचीत का रास्ता खोलना चाहता हूं और किसी और के लिए भी ताकि हम अगले कार्यक्रम के बारे में सोच सकें देखिए आप कितने शानदार और बुद्धिमान दिख रहे हैं ओ भगवान आपका भला करे सर जिंदादिल इंसान आपका बहुत बहुत धन्यवाद माटी मैं आपकी यहां मौजूदगी और आपके सभी नेताओं और हर चीज की सराहना करता हूं मैं यहां आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं वाह और जब भी मैंने कोई अच्छा विचार सोचा तो किसी ने मेरी तारीफ की रॉबिन मैं आपकी तरफ तीन उंगलियां उठा रहा हूं लड़की आपने जो कहा वो मुझे बहुत पसंद आया लेकिन आप जानते हैं क्या मैं बस सभी को ये बताना चाहता हूं कि हम सही रास्ते पर हैं हम कहीं नहीं पहुंचे हैं हम वास्तव में धीमे नहीं हुए हैं सिर्फ इसलिए कि हम नहीं करते हमारे नजरिए से जो चीजें हो रही हैं उसका मतलब यह नहीं है कि वे नहीं हो रही हैं है, है ना इसलिए हमें बस थोड़ा धैर्य दिखाने और अपनी उम्मीदों को काफी हद तक वास्तविक रखने की जरूरत है आप जानते हैं हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा नवाचार और हमारा विकास कुछ ऐसा है जिसमें समय लगता है ये रातों रात नहीं होता है एक महीने में नहीं होगा लेकिन ये हो रहा है और यह अभी भी हो रहा है ये हो रहा है।, है और याद रखें अगर हम कर सकते हैं तो आइए कंपनी के विषन और उद्देश्यों के बारे में सोचें मानवता को ऊपर उठाना यही वह है जिसके लिए हम सब यहां हैं है ना ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम वही कर रहे हैं जो सही है क्योंकि यह सही है और हम हर दिन जश्न मना रहे हैं मैं इसे बहुत सारे वेबिनार में देखता हूं बहुत सारे नेताओं और लोगों और टीम के साथियों और लोगों से बात करते हुए जो मुझे संदेश भेजते हैं हम हर दिन जश्न मना रहे हैं हम कहीं नहीं पहुंचे हैं बड़ी जीत छोटी जीत है न आइए हम ये सुनिश्चित करें कि हम नेताओं और समुदायों द्वारा दिए गए अपडेट को साझा करें और याद रखें कि श्री मुफ की तरह अपनी रणनीतियों को समायोजित करने के बारे में जो कि वास्तविक समय में होने वाली चीज़ों के अनुसार किए जाने की आवश्यकता है हर दिन कुछ अच्छा करने पर ध्यान केंद्रित करें हमने पहले भी इस पर बात की है और हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए मुझे पसंद है आप जानते हैं चार्ल्स कोलिन्स और कुछ अन्य लोगों ने जो कहा था कि देरी की धारणाओं या वहां मौजूद कुछ कचरे से परेशान न हों यह वहां मौजूद रहने वाला है है ना और खुद को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रखें इसे जारी रखें आप जानते हैं अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करें अपने समुदाय को प्रोत्साहित करें नेताओं को प्रोत्साहित करें इसलिए मैं बस मैं यहां आकर खुश हूं ऐश मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं उन चीजों के लिए कितनी बार आपका आभारी हूं जो आपने की है और कर रहे हैं आप जानते हैं और विशेष रूप से आपका परिवार आपका परिवार इसमें शामिल है आप जानते हैं जितना हो सके उतना जादू कर रहे हैं और मुझे पता है कि वे आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका समर्थन करते हैं और संस्थापक आधार और यह एक अविश्वसनीय चीज है जिससे हम यहां गुजर रहे हैं और मैं भी फिर से लाना चाहता हूं जैसा कि आप में से बहुतों ने किया है यह एक ऐसी यात्रा है जो सफलता और जीत और साथ में बड़ी जीत के बारे में है और हां जैसा कि आप में से कुछ ने कहा हम अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ आकार में होने वाले हैं इसलिए इसके साथ बने रहें I hope you like the information and you will be satisfied. Thanks. Please subscribe, like, and share with the ones you love. Thanks for watching our videos.